इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जूम इन एंड जूम आउट, हाईलाइट एंड एनिमेशन जूम, मैग्नीफाई जूम। तो ये मैंने टाइमलाइन पे क्लिप डाला, तो चलिए पहले क्लिप को देख लेते हैं। कौन से जगह पर आपको की फ्रेम लगाना है मैं बता दूंगा। तो पहले क्लिप को प्ले करके देख लेते हैं कौन से जगह पर आपको की फ्रेम लगाना है। तो आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट। तो पहले आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल पे। जैसे इफेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको पोजीशन और स्केल पे आपको की फ्रेम डाल देना है। उसके बाद देखिए ये ऑडियो वेब जो दिखाई दे रहा है, इधर मेरा जूम इन में बोल रहा हूँ, तो उस जगह तक अपने प्ले हेड को मूव कर लेना है। यहाँ तक मूव कर लेंगे और इधर दो एनिमेशन पोजीशन और स्केल में की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ा प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेंगे स्टेप फॉरवर्ड पे एक एक क्लिक करके। तो इधर से मैं जूम इन बोल रहा हूँ, तो इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे स्केल का और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, फिर से एक फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद दूसरा की फ्रेम डालेंगे। थोड़ा पहले वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कौन सा जगह पे दूसरा आपको ये जगह पे आपको जूम इन करना है। तो इधर भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे, उधर प्ले कर लेते हैं। इधर आप इधर 100 कर लेना है। जैसे मैं जूम इन बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा की फ्रेम को देख के एडजस्ट कर लेना है। देखिए मेरा हैंड जो आ रहा है, जूम आउट जब बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे आपको अपने की फ्रेम ऐड करके इसको 100 कर लेना है। तो चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ तक आता है ये। इधर की फ्रेम ऐड करेंगे और जब हैंड मेरा क्लोज हो रहा है इस जगह पर आपको 100 कर लेना है। तो चलिए अभी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं की फ्रेम ऐड करके। आप हाईलाइट जूम कैसे कर सकते हैं? आपको जाना है रेक्टेंगल टूल में, आपको जो भी पार्ट को हाईलाइट करना है उधर से आपको रेक्टेंगल में कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर लेना है। जैसे आप शेप क्रिएट करेंगे तो आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल पे। ऐसे इफेक्ट कंट्रोल पे जैसे ही जाएंगे आपको जो भी अपने स्ट्रोक पे जो भी कलर रखना है उसके हिसाब से आप कलर रख सकते हैं। तो मैं रेड रख लेता हूँ, रेड थोड़ा हाईलाइट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वाला जो शेप का ग्राफिक है, शेप का ऊपर जो ग्राफिक आता है उसको आपको अपना क्लिप के हिसाब से जितना आपको रखना है उतना हिसाब से आपको रख लेना है। ये दो क्लिप को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट जैसे ही कर लेंगे ये जो हाईलाइट पार्ट है वो अपने क्लिप के साथ सिंग नेक्स्ट हो गया। उसके बाद आपको कितना एरिया, ये इतना एरिया आपको हाईलाइट दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले आपको क्लिप सिलेक्ट करेंगे, अब जाएंगे मोशन पे। जैसे ही मोशन पे जाएंगे आपको सिलेक्ट करना है पोजीशन और स्केल में की फ्रेम एनिमेशन ऐड कर लेना है। आपको शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करना है। अब शिफ्ट के साथ जैसे ही एरो की प्रेस करेंगे तो 5 फ्रेम आगे जाएगा। जितना बार आप प्रेस करेंगे उतना फ्रेम आगे 5 फ्रेम आगे जाता जाएगा। आपको जो भी पार्ट जितना जो भी जगह पर आपको हाईलाइट दिखाना है, तो मैंने शिफ्ट एरो की प्रेस किया तो ये जगह पे मेरे को हाईलाइट दिखाना है। तो मैं फिर से इधर से आपको जाके की फ्रेम और एक ऐड कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ फिर से एरो की प्रेस करूँ। अभी मेरे को ये जगह पे मेरे को हाईलाइट दिखाना है तो मैं स्केल का साइज जूम कर लूँगा और पोजीशन भी इसका मूव करके कुछ इस तरह से मैं जूम दिखा सकता हूँ कि ये पार्ट में मेरे को ये इम्पोर्टेंट नोटिस है बोल के। तो आप इजी से कुछ इस तरह से कोई भी पार्ट को जूम दिखा सकते हैं कुछ रेक्टेंगल क्रिएट कर। क्रिएट करेंगे एनिमेशन जूम। एनिमेशन जूम के लिए तो इधर मैं एनिमेशन जूम में क्या करने वाला हूँ, मेरा चैनल का सब्सक्राइब और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन, ये वाला मैं एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए पहले वीडियो प्ले करते हैं। जो भी जगह पे मैं सब्सक्राइब प्रेस करता हूँ उधर एक वीडियो में कट लगा लेंगे। तो पहले प्ले कर लेते हैं। ये देखिए ये मैं सब्सक्राइब पे क्लिक जैसे ही क्लिक करने वाला हूँ उधर एक वीडियो में कट लगा देंगे हम। पहले रेजर टूल सिलेक्ट करेंगे, सी इसका शॉर्टकट है। उसके बाद अल्ट के साथ आपको खाली वीडियो लेयर पर आपको एक कट लगाना है। जैसे ही वीडियो लेयर पर कट लगाएंगे उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे ऑल नोटिफिकेशन कहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए देख लेता हूँ सब्सक्राइब ऑल नोटिफिकेशन। तो इधर मेरा ख़त्म होता है तो मैं इधर एक कट
अल्ट के साथ प्रेस करेंगे खाली हटाएगा। अभी ये वाला लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, अल्ट ऊपर का ड्रैग करेंगे तो ये क्लिप का डुप्लीकेट है। तो इस क्लिप पे आपको इफेक्ट में जाना है, आपका क्रॉप इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। तो नीचे वाला क्लिप को थोड़ा हाइड कर लेंगे, ऊपर वाला क्लिप को थोड़ा क्रॉप करेंगे, लेफ्ट के साइड इतना कट कर लेंगे और टॉप में यहाँ तक कर लेंगे और राइट साइड में यहाँ तक कर लेंगे और अपना बॉटम में यहाँ तक कर लेंगे। तो चलिए अभी प्ले करके देखते हैं एनिमेशन कहाँ तक आता है, जितना क्रॉप किया उससे ये परफेक्ट है। तो चलिए नीचे वाले लेयर को शो कर लेते हैं। अभी ये वाला स्टार्टिंग पार्ट में ये क्लिप को सिलेक्ट करके की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले जाएंगे पोजीशन और स्केल पे, जिसे इधर सब्सक्राइब में प्रेस होता है इसको जूम कर लेंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्राइब, क्लिक ऑल एंड नोटिफिकेशन, ओके। इधर हमको जूम आउट का एक कर लेना है, की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको 100 कर लेंगे तो जूम आउट हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर लेते हैं तो आपको एक फ्रेम बैक आ जाना है। इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, उसके बाद ये की फ्रेम पे हम जब जाएंगे तो इधर आपको 100 कर लेना है। तो देखिए अभी कैसा इफेक्ट आ रहा है, प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये मैंने आपको रफली बताया, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसको। मैंने खाली आपको टिप्स बताया कि ये इस तरह से आप आइडिया लगा के कुछ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं मैग्नीफाई जूम। तो ये मेरे पास कुछ यूट्यूब का नोटिस पेज है, विकिपाइट का। तो इस पेज को अगर मैं जूम करके दिखाने वाला हूँ, ये पेज सेम रहेगा, खाली ये मैं जो हैंडराइटिंग लेटर है वो लेटर को मैं खाली जूम दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे दिखाएंगे, तो आपको जाना है इफेक्ट में और सर्च करना है मैग्नीफाई। जैसे मैग्नीफाई लिखेंगे तो नीचे आपको आ जाएगा मैग्नीफाई। इस इफेक्ट को आपका क्लिप के ऊपर ड्रैग कर लेना है। जैसे ही ड्रैग कर लेंगे तो आपको आना है इफेक्ट कंट्रोल पे। इफेक्ट कंट्रोल पे जैसे ही आएंगे आपको इधर आपको सर्कल में दिखाना है या स्क्वायर पे दिखाना है, तो मैं स्क्वायर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद साइज पे आ जाऊँगा, साइज को इसका मैं 200-300 समथिंग रख लेता हूँ। और ये मैग्नीफाई के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इधर शो करेगा कौन से जगह पे आपको जूम दिखाना है, उधर आपको पहले रख लेना है अपना एडजस्ट करके उस लेटर के ऊपर। उसके बाद आएंगे मैग्नीफिकेशन, इसका साइज आपको कितना रखना है। देखिए कुछ इस तरह से जूम दिखाना है, कितना जूम दिखाना है आपको उसका साइज सेट कर सकते हैं। मैंने 140 या ज़्यादा भी रख सकते हैं। रखने के बाद अगर आपको ये देखिए मैं सेंटर पे इधर की एनिमेशन की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ, तो आप इस तरह से शिफ्ट और एरो की प्रेस करेंगे तो 5 फ्रेम आगे जाएगा। जैसे 5 फ्रेम आगे जाएगा तो मैं इसको थोड़ा मूव करूँगा, इधर करूँगा तो शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा, थोड़ा सा पोजीशन मूव करूँगा इधर। अब कोई पार्ट को एनिमेशन की तरह दिखाना चाहते हैं, कोई भी लेटर को, तो आप इस तरह से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं शिफ्ट प्लस एरो की प्रेस करूँगा, फिर से थोड़ा मूव करूँगा। तो इस तरह से जो जो पार्ट को एनिमेशन दिखाना चाहते हैं इधर की फ्रेम आप मूव करके एनिमेशन दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका जूम इफेक्ट आएगा। तो आपके क्रिएटिविटी के ऊपर आपको डिपेंड करता है आप कौन से जगह पे इसको यूज़ करोगे। तो कुछ इस तरह से आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।